नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आप लोगों की बहुत सारी विशेस के लिए बहुत सारा थैंक यू। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन। और जब मेरी तबीयत खराब थी, मैं दवाई खा के ना बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स रीड कर रही थी रिलेटेड टू फ्लैट बेली। बहुत सारे लोगों का इश्यूज है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है विंटर्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन का, ब्लोट होने का एंड टमी का बलून की तरह बाहर निकलने का, वाटर रिटेंशन का। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये भी आया था कि हम ना दालें और पनीर खा के बोर हो गए हैं, अब हमें कुछ नया चाहिए इन विंटर्स फॉर वेट लॉस एंड फॉर फ्लैट बेली। सो फ्लैट बेली का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपको पीरियड्स बहुत अच्छे से होते हैं, अगर आपके पीरियड्स का साइकिल जो है वो बिल्कुल रेगुलर है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपका इंटेस्टाइन में कोई किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, आपको वाटर रिटेंशन नहीं है, आपका फ्लैट बेली होगा। फ्लैट बेली रातों रात नहीं आता, फ्लैट स्टमक रातों रात बिल्कुल नहीं मिलता। इसके लिए आपको बहुत तरीक़ों से चीज़ों को चलाना पड़ता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, पानी का इंटेक बिल्कुल सिप सिप करके पूरे दिन पीना, एक झटके में पानी ना पीना, उसके अलावा आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो बिल्कुल स्टमक का क्लियर रहना, और उसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो 8 घंटे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका जो फ्लैट टमी है और फ्लैट स्टमक जो है वो आपको मिलेगा। बट खाना क्या है ऐसी सिचुएशन में ना, हम खाएं क्या जिसकी हेल्प से हमारा जो स्टमक है वो क्लीन हो, हमारे को वाटर रिटेंशन ना हो, हमारा जो टमी है वो डिस्टर्ब ना रहे, हमारे इंटेस्टाइन में अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो वो भी क्लियर हो जाए। हमें डालना होगा बहुत सारा फाइबर, बहुत सारा फाइबर कार्ब्स के साथ एंड थोड़ा बहुत प्रोटीन भी चल जाएगा, बट कार्ब्स एंड फाइबर बहुत ज़्यादा हमें अपनी डाइट के अंदर डालना है, अच्छे से डालना है एंड गुड कार्ब्स डालने हैं, गुड फाइबर डालना है। सो ये सब कहाँ से मिलेगा, किस तरीके की चीज़ें हम ऐसी खाएं जिसकी हेल्प से हमारा जो स्टमक है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ना हो, स्वेलिंग ना हो। मैं लेके आई हूँ 7 डिटॉक्स सैलड की रेसिपीज़, जो कि इस सीज़न की सैलड्स हैं, इस सीज़न की सब्जियाँ हैं, जिसमें नो दाल नो पनीर। पनीर और दालें खा खा के अगर आप बोर हो चुके हो, आप कटलेट खा के बोर हो चुके हो, ट्राई माई ये वाली जो सैलड की न्यू रेसिपीज़ है। रियली यम, रियली फिलिंग, रियली रिफ्रेशिंग एंड कॉन्स्टिपेशन बाय बाय एंड फ्लैट टमी आजा आजा। तो ये जो रेसिपीज़ हैं बहुत सिंपल है बनाना, जस्ट आपको चॉप करना है और सैलड्स बनानी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही यमी है और बहुत ही फिलिंग है। ये रेसिपीज़ बनानी कैसे हैं, चलते हैं किचन में। फर्स्ट सैलड है हमारा कॉर्न एंड कैरेट सैलड। यहाँ पे मेरे पास है स्वीट कॉर्न, ये मैंने यहाँ पर बॉयल किए हुए रखे हुए हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कैरेट, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। मेरे पास है यहाँ पर कुकम्बर, एक खीरा, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा मेरा लेमन जूस। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा भुना हुआ जीरे का पाउडर थोड़ा सा, एंड इन सबको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा थोड़ा सा हरा धनिया, और अब इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे एंड ये जो सैलेड है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी है। सैलेड नंबर 2 हमारी है स्वीट पोटैटो सैलेड। मेरे पास शक्करगंदी बहुत इन है सीजन में इस समय, ये एक शक्करगंदी मैंने बॉईल कर रखी है एंड ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी हमारी गाजर। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे खीरा, आधा खीरा मैं यहाँ पे डाल दूँगी। इसके ऊपर मैं यहाँ पे डालूँगी मेरा लेमन, नींबू आप स्किप कर सकते हो अगर आपको लेमन से प्रॉब्लम है तो। मैं इसमें सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ, ना ही भुना हुआ जीरा, आपका मन है तो आप भुना जीरा इसमें डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। बट ये रहा सैलेड, काफ़ी स्वीट पोटैटो के लिए लाउड हो रहा है, उसको चाहिए। तो ये हमारा सैलेड और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सिंपल। ओके, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल सैलेड। यहाँ पे मेरे पास है पाइनएप्पल के स्लाइसेस, ये 2 बड़े स्लाइसेस मैंने कट करे हैं यहाँ पर। इस पाइनएप्पल्स को आप ग्रिल भी कर सकते हो, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट मैं बिना ग्रिल के डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं डालूँगी मेरे खीरे। नेक्स्ट मेरे पास है टमाटर, ये जो टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिना सीड के हैं, सीड्स मैंने सारे टमाटरों से निकाल दिए हैं, ये मैंने इसके अंदर डाला। इसके अंदर मैं डालूंगी मैं थोड़ा सा मेरे हरा धनिया। ओके, इन सबको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
मैं लेमन इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, ताकि फिर आ गया इसको खुशबू आ गई। एंड दिस सैलेड इज एब्सोल्युटली रेडी। नेक्स्ट सैलेड में हम यूज करेंगे सबसे पहले हमारी पत्ता गोभी। इसे खूब अच्छे से वॉश करके, गर्म पानी से क्लीन करके फिर आप इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल रहे हैं कॉर्न, हमारे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है थोड़ी सी होममेड पनीर, लाइक 50 ग्राम्स ऑफ होममेड पनीर। ओके, इस सबको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ओके, और अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन, थोड़ा सा नींबू का रस। मैं इसमें नमक और कुछ भी नहीं ऐड कर रही, जस्ट लेमन। एंड दिस इज एब्सोल्युटली रेडी। ओके, नेक्स्ट सैलेड हम बनाने जा रहे हैं गुआवा सैलेड। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले है अमरूद, और ये जो अमरूद है, अगर आप नोटिस करो, इसमें मैंने सीड्स जो है वो काफ़ी हद तक रिमूव कर दी हैं। सो ये रहे मेरे पास गुआवा। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी ब्रोकली, मेरी 3 से 4 स्लाइसेस ब्रोकली अच्छे से बॉईल की हुई। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी कैरेट, बहुत यम्मी सैलेड है ये, जो कॉम्बिनेशन है बहुत यम है। एंड नेक्स्ट इस सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन डालना चाहते हैं आप इसमें लेमन डालेंगे, नहीं डालना चाहते मत डालो, बट नमक से थोड़ा दूर रखिएगा। और काली मिर्ची जो है वो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भुना हुआ जीरा पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सैलेड हम बनाने जा रहे हैं बॉइल्ड पोटैटोज एंड पीस सैलेड, ग्रीन पीस सैलेड। सो ये रहे मेरे पास उबले हुए आलू, एक स्वीट पोटैटो है ये शक्करकंदी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी, इसी के साथ मैंने बॉइल किया हमारे मटर, बहुत अच्छे मटर आए हुए हैं सीज़न में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक टमाटर बिना बीज का, इनको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। एंड इन सबको हम इस प्लेट में डाल देंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा लेमन। एंड दिस सैलेड इज रेडी। ओके, नेक्स्ट सैलेड में हम यूज करेंगे बीट रूट, बहुत अच्छा आया हुआ है मार्केट में इस समय, सीजन में है। ये रहे मेरे पास उबले हुए आलू, ये डाल दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे बॉइल कॉर्न, 2 चम्मच इतने। नेक्स्ट एक टमाटर, नेक्स्ट आधा कद्दूकस किया हुआ बीट रूट। आप इसको बॉईल करके भी डाल सकते हो, बट मैं रॉ ले लेती हूँ, सो मेरे लिए ओके। अब इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी मैं हरा धनिया, एंड थोड़ा सा मैं डाल दूंगी मेरा नींबू। दिस द सैलेड एंड इट्स रेडी। वेलकम बैक जी। सो ये रेसिपीज जो है आप लंच में लीजिए, अपने डिनर में लीजिए। मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि आप इसको लंच में रखिएगा, कोशिश करना कि सॉल्ट का इंटेक ना करो इन सैलेड्स के अंदर। बट अगर आपको लगता है कि आपका बीपी लो का इशू है, या फिर आपका भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा है, आप एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज है विटामिंस की, एंड आपकी लथार्जिक वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, आप डेफिनेटली सॉल्ट ऐड कीजिए। बट अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्ट इस सैलेड से अवॉइड कीजिए। Day 1 पे आप अपना वेट चेक करो, अपने टमी का इंच नापो, एंड Day 7 जब ख़त्म हो जाएगा, Day 8 पे आप अपना टमी का इंच चेक करना और अपना वेट चेक करना। ईजिली आपका 1 वीक के अंदर 2.5 kgs तक लूज़ होगा, एंड आपके जो इंच लॉस होगा टमी एरिया के, आपके बेली एरिया का, वो अल्टीमेट होगा। बेस्ट थिंग इज़ आप एक ड्रेस ट्राई करो जो कि आपके स्टमक एरिया से बिल्कुल टाइट हो, बलून की तरह हो, एंड जब आप उसको दोबारा 8th day पहनो तो आपकी जो ड्रेस इस तरीके से फिट आनी चाहिए। जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो ना, मोटिवेशन लेवल अलग होता है। बीच में ड्रेस ट्राई मत करना, वरना आप कहोगे यार ये तो जा ही नहीं रहा। 8th day ही सीधा ट्राई करना। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। ट्राई करो मेरी सारी सैलेड्स की न्यू रेसिपीज़, एंड लीव अ कमेंट कि कौन सी रेसिपीज सबसे अच्छी लगी है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।
तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखो, पानी अच्छे से पियो, सर्दियां हैं, सिप सिप करके पानी का इंटेक बिल्कुल प्रॉपर रखना, 3.5 लीटर एनाफ है, 3 से 3.5 लीटर, नींद बहुत अच्छे से लेना, दिन में मत सोना, सीधा रात को सो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्टिव रहना, अपना खूब सारा ध्यान रखो, सॉक्स पहन के रखो, विक्स लगाओ पैरों पे और सॉक्स पहन के रखो, सॉक्स ज़रूर पहन के रखना पूरे दिन, ठंड लग जाएगी तो पूरी डाइट की ऐसी की तैसी। सो या दैट्स इट, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, टेक केयर जी, बाय बाय।